क्या आपको पता है जॉब की वेबसाइट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम पोस्ट किस तरह से लिखें और कहां से लिखें। तो आज का वीडियो जब देखते रहे, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि जॉब की वेबसाइट के अंदर किस तरह से पोस्ट लिख सकते हैं, कहाँ पर आपको जॉब की वेबसाइट के लिए कंटेंट मिलेगा। तो यह सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने हमारा प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं किया तो वॉच कर लीजिए। इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बताया था कि जॉब की वेबसाइट के अंदर किस तरह से आप परफेक्ट वैसे SEO कर सकते हो। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कार्ड में आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके आसानी से वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले बताया इस तरह से कि अगर आपके पास जॉब की वेबसाइट है तो आपके पास जो आपका कॉमन प्रॉब्लम होगा कि कंटेंट कहाँ से लाए या तो पोस्ट किस तरह से लिखें। क्योंकि देखिए, जॉब की वेबसाइट के अंदर आप जो आजकल के कंपटीशन में और जो एडसेंस ने बहुत ही सारी पॉलिसी चेंज की है, आप किसी दूसरी वेबसाइट की पोस्ट को कॉपी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपको देखा देखिए जितनी भी पोस्ट, तो इस केस में आप डायरेक्टली जो किसी भी वेबसाइट में जाके डायरेक्टली किसी भी पोस्ट को, सिंगल पोस्ट को आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप कॉपी करोगे और एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एक ही रिप्लाई आएगा एडसेंस की तरफ से, चाहे आप जितनी बार अप्लाई कर लो, वो आएगा स्क्रैप कंटेंट, इसके बाद वायोलेशन, ये सभी प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। तो मैं आपको आज के वीडियो के अंदर जो डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से आपकी जॉब की वेबसाइट के अंदर पोस्ट लिखने, जिसकी मदद से आपकी जो पोस्ट है वो यूनिक हो और आपको जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो आसानी से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। क्योंकि बहुत ही सारे यूज़र मुझे कमेंट्स करके पूछते रहते हैं कि जॉब की वेबसाइट के लिए कंटेंट कहाँ से लाएँ, जॉब की वेबसाइट के अंदर कंटेंट किस तरह से लिखें, इसके मदद से किसी भी प्रकार का कॉपीराइट ना आए या तो एडसेंस अप्रूव मिलने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ। तो अब हम एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ पर से कंटेंट मिलेगा, किस तरह से आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है और किस तरह से आपको आपकी वेबसाइट के अंदर इसे पब्लिश करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा हमारी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो सबसे पहले मैं जो हमारे वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर लेता हूँ naukrifish.com के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो मुझे इसके अंदर एक न्यू जॉब की पोस्ट लिखनी है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको गूगल के अंदर रिसर्च करना पड़ेगा कि अभी दूसरी वेबसाइट जो कि पॉपुलर वेबसाइट है, इसके अंदर क्या क्या पब्लिश, जो पोस्ट पब्लिश हो रहे हैं, इसको देख के आपको आइडिया लगाना है कि आपको आपकी वेबसाइट के अंदर कौन सी पोस्ट पब्लिश करनी है। आपको कॉपी नहीं करनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप कॉपी करोगे तो देखिए, अगर आप जो दूसरी वेबसाइट से कॉपी करोगे तो जो किसी वेबसाइट का ओनर है, इसे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि जॉब की वेबसाइट के अंदर किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिशन नहीं होती गूगल सर्च के अंदर, यानी गूगल रैंकिंग के अंदर। जितना भी ट्रैफिक आएगा वो प्योर ट्रैफिक आपका सोशल मीडिया से आएगा। तो इस केस में प्रॉब्लम आपको हो सकता है, कैसा प्रॉब्लम, जो अगर आपने किसी बड़ी वेबसाइट से कॉपी किया और इसके बाद एडसेंस के लिए आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका एक ही रिप्लाई का वो आएगा स्क्रैप कंटेंट। तो ये आपके लिए जो मैं आप बता रहा हूँ कि आपको कॉपी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक जो न्यू पोस्ट पब्लिश करनी है, तो सबसे पहले मैं जो गूगल का यूज़ करूँगा, सिंपल आपको जाना पड़ेगा गूगल में और यहाँ पर आपको जो किसी भी जो पोस्ट के बारे में अगर लिखना है तो आपको सबसे पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि आजकल जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है, इस केस में आप हमारी naukrifish.com का भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए, मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस केस में यहाँ पर आप नौकरी, जो हमारी वेबसाइट है naukrifish.com ये वाली, तो यहाँ पर सिंपल आप इसे विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद सिंपल आपको देखना है, देखिए अभी तो मैं इसके अंदर रेगुलर पोस्ट नहीं डालता। अगर यहाँ पर इसकी जगह कोई बड़ी वेबसाइट है और यहाँ पर रेगुलर पोस्ट अपडेट हो रही है, यानी कि डेली बेसिस पे एक दो पोस्ट पब्लिश हो रहे हैं, तो सिंपल आपको वेबसाइट के अंदर देखना है और देख कर आपको जस्ट आइडिया लेना है कि आजकल जो कौन सी जॉब पब्लिश हुई है, कौन सी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है,
सिंपल आपको आइडिया लगाना है और इसके बाद यहाँ पर आप जो आसानी से इसका टाइटल भी ले सकते हो, लेकिन आपको किसी भी पोस्ट को यहाँ पर कॉपी नहीं करना है। सिंपल आइडिया लेने के बाद आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल किसी बैंक की जो पब्लिश होती है तो आपको सिंपल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसका यूज़ करना है। तो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको एक बैंक की पोस्ट लिखकर दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया है कि अगर आपको न्यू पोस्ट पब्लिश करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपल सबसे पहले देखिए मैंने गूगल में रिसर्च किया और इसके बाद मुझे दूसरी वेबसाइट के अंदर से आइडिया है कि मुझे एक बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB के बारे में एक पोस्ट पब्लिश करनी है कि BOB यहाँ पर रिक्रूट कर रहा है। तो सिंपल आपको करना पड़ेगा, रिसर्च किया, दूसरी वेबसाइट को देखा, वहाँ से आपने टाइटल लिया और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपने विजिट कर ली। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मैंने दूसरी वेबसाइट का रेफरेंस लेके ये वेबसाइट ओपन कर ली जिस केस में BOB यहाँ पर रिक्रूट कर रहा है बहुत ही सारी, यहाँ पर देखा वैकेंसी के ऊपर, देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है और वहाँ जाके आपको ये जितने भी पोस्ट है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसकी एक अलग से आपको समरी बनानी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जो सबसे पहले देखिए इस पोस्ट को ओपन करूँगा यानी कि PDF को ओपन करूँगा तो इसके अंदर आपको बहुत ही सारा कंटेंट मिलेगा, लेकिन आपको ये सभी कंटेंट यूज़ नहीं करना है, आपको इसमें से आपके मुताबिक आपकी एक समरी बनानी है, यानी कि आप यहाँ पर 1500 या 2000 वर्ड का एक आर्टिकल बना सकते हो ये सभी PDF को यूज़ करके। अब देखिए इसमें आपको किसी भी प्रकार प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सिंपल सबसे पहले देखिए मैंने जो यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैंने वर्ड की जो फाइल है यानी कि वर्डपैड के अंदर मैंने कुछ यहाँ पर समरी निकाली है, देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक पोस्ट लिखनी है, देखिए आपको दिखाई देगा बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट 2019। तो हमारी जो सिंगल पोस्ट रहेगी इसका टाइटल ये रहेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा डैशबोर्ड में, इसके बाद पोस्ट और इसके बाद एड न्यू पोस्ट। तो यहाँ पर सिंपल हम पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया हमारा टाइटल। इसके बाद टाइटल आपका फाइंड करने के बाद यहाँ पर आप किसी रेडीमेड प्लगइन का यूज़ करके यानी कि रेडीमेड वेबसाइट का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार कीवर्ड तो नहीं होगा। तो इस केस में मैं यूज़ करूँगा रिपेड टेक जनरेटर, ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड मिलेगा जिसका आप यूज़ कर सकते हो। तो टाइटल पेश कीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए इतने आइडिया मिलेगा, इसे इसमें से अगर आपको नहीं चाहिए इस कीवर्ड को यहाँ पर आप रिमूव कर दीजिए क्योंकि 2018 अब यूज़ नहीं आएगा। तो इतने कीवर्ड मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए और यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको आपका टाइटल लिखने के बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट के अंदर इसे यूज़ करना है। टेक्स्ट के अंदर आप जो यहाँ पर मैक्सिमम 5 लिख सकते हो और मिनिमम 3 आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका मेन कीवर्ड रहेगा वो ये रहेगा, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट। इसके बाद यहाँ पर आपको फोकस कीवर्ड के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा है वहाँ पर आपको करना है BOB, क्योंकि यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ लोग यानी कि 80-90% लोग होते हैं वो कभी जो बैंक का पूरा नाम लिखते हैं सिंपल गूगल के अंदर जाके BOB लिखते हैं और इसके बाद रिक्रूटमेंट, और यहाँ पर आप 2019 लिखना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारे एक सिंगल पोस्ट का समरी। इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का कीवर्ड रिसर्च नहीं करना है, तो अगर आप रिसर्च करोगे तो इसका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो ये जो पोस्ट है यानी कि ये जो रिक्रूटमेंट है इसकी एक एक्सपायरी डेट है, तो वो एक्सपायरी डेट वगैरह यहाँ पर आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी ये जितनी भी PDF फाइल है इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए पोस्ट में पब्लिश कर रहा हूँ। तो इसके बाद देखिए हाँ यहाँ पर हमने टाइटल, इसके बाद टैग वगैरह, तो अब आपका आगे का स्टेप आता है कि आपको इसका थंबनेल बनाना है। तो अब देखिए जो बैंक रिक्रूटमेंट होती है, मैंने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर यानी कि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जॉब वेबसाइट के बारे में, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जॉब की वेबसाइट अगर आपके पास है और तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जो गूगल के अंदर जाके इस केस में आपको इमेज के अंदर जाके आप आसानी से जो किसी इमेज का यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर जो पर्टिकुलर वेबसाइट या तो पर्टिकुलर जो किसी भी प्रकार की ओनर का लोगो नहीं होना चाहिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको कॉर्नर के अंदर दिखा देगा, इस केस में आप इस इमेज का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरी तरह से कस्टमाइज है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखा देगा इसके अलावा भी बहुत ही सारे इमेजेस हैं, तो ये वाला देखिए आपको यहाँ पर दिखा देगा सिंपल बैंक ऑफ बड़ौदा, तो डायरेक्टली इसे आप
कॉपी कीजिए यानी कि सेव कीजिए, और सेव करने के बाद आसानी से आप इस इमेज का यूज़ कर सकते हो। इस केस में आपको किसी भी प्रकार प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इस इमेज के अंदर किसी भी प्रकार की, यहाँ पर देखिए आपको देखेगा कि कंपनी का जो ब्रांडिंग नहीं है, यानी कि इसे कुछ किसी ने कस्टमाइज नहीं किया है। तो सिंगल पोस्ट में जाए और यहाँ पर सिंपल आपको सेट फीचर इमेज पर क्लिक करना है, अपलोड पे, और यहाँ पर सिंपल में डाउनलोड पे जाके इस इमेज को सेलेक्ट करोगा। और इसके बाद जो हमने यहाँ पर कुछ कीवर्ड ऐड किए थे, इस कीवर्ड का आप यूज़ कर लीजिए तो भी चलेगा, या तो आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। इस केस में मैं ये जो हमारा मेन कीवर्ड है इसको मैं यहाँ पर टाइटल और इसके बाद अल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा थंबनेल, देखिए आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो जो सिंगल पोस्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद आगे का हमारा स्टेप था कि इसके अंदर हमें कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट लिखने से पहले हम इस पोस्ट को सेव ड्राफ्ट में क्लिक कर लेते हैं, ताकि जो हमारा पोस्ट जितना भी हमने इसके अंदर वर्क किया है वो यहाँ पर लॉस्ट ना हो। तो ये हो गया। अब देखिए जॉब की वेबसाइट के अंदर आपको यहाँ पर यूआरएल दिखाई देगा, तो इस यूआरएल को आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे तो आप इसे नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर को दिखाई देगा बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट 2019, तो ये आपके लिए चलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अब देखिए आपको पता होगा कि जॉब की वेबसाइट के अंदर जितनी भी पोस्ट होती है या तो दूसरी वेबसाइट के अंदर भी इसका पोस्ट होती है, इसका मिडिल का जो कंटेंट होता है वो सभी वेबसाइट के अंदर सेम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया कि बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट और ये पर्टिकुलर जो पोस्ट के ऊपर इतनी वैकेंसी है, तो आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस केस में अगर आपको आपके सिंगल पोस्ट को जो सबसे अलग बनाना है या तो यूनिक करना है, तो आपको इस केस में सबसे पहला पैराग्राफ और इसके बाद लास्ट के पैराग्राफ को आपको खुद को ऐड करना है। किस तरह से, तो यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा है ग्रामरली, तो आप ग्रामरली का यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा रिकमेंड कर रहा है, तो सबसे पहले आप अपने मुताबिक यहाँ पर आपका मैसेज लिख लीजिए। सबसे पहले मैं इसे आपको सिंगल पोस्ट के अंदर राइट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको इसे कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आप अपने टाइटल के आगे इसे पेस्ट करके अपने आप जो आपके मुताबिक आप इसे कस्टमाइज़ कर लीजिए। इसे यहाँ पर हम बोल्ड करेंगे इस तरह से। अब देखिए ये जो हमारा पहला पैराग्राफ यहाँ पर सक्सेसफुली हमने ऐड कर दिया। तो अगर आपको आपकी सिंगल पोस्ट को जो दूसरी वेबसाइट है इसे यूनिक बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा वेलकम टू नौकरी फिस्ट BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस पोस्ट। इसके बाद आपको जितनी भी पोस्ट होती है इसका नाम, और इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना कि यू कैन अप्लाई ऑनलाइन, फॉर मोर इन्फो रीड बिलो डिटेल। तो डिटेल के अंदर जितनी भी वेबसाइट होगी इसके अंदर इसकी डिटेल सेम रहेगी। तो यहाँ पर देखिए आपको देखा देगा कि मैंने कुछ जो समरी यहाँ पर निकाल कर रखी है, तो आप अपने मुताबिक जो किसी PDF का यूज़ करके इसकी समरी निकाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जितनी भी पोस्ट है, तो यहाँ पर सिंपल मैंने देखिए आपको समझाने के लिए कुछ पोस्ट है इसकी समरी है, इसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर मैं इसे अंदर जो पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए जॉब की वेबसाइट के अंदर यहाँ पर जो मिडिल का कंटेंट होता है वो सभी वेबसाइट के अंदर सेम होता है, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ या नहीं, आप आसानी से कर सकते हो। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला पैराग्राफ है वो आपका होना चाहिए, और इसके बाद लास्ट के अंदर आपको एक और पैराग्राफ ऐड करना है जो कि मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, देखिए आपको दिखाई देगा फाइनल वर्ड, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये हमारा फाइनल वर्ड है। तो ये हमारा एक सिंगल पोस्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पर आपके सिंगल पोस्ट के अंदर आपको इमेज ऐड करना है, तो जो थंबनेल के अंदर हमने यूज़ किया है वो इमेज यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का सिंपल यूज़ कर लीजिए, एडिट, इसके बाद सेंटर, और यहाँ पर आप इसे मीडियम साइज़ या तो फुल साइज़ रख लीजिए, और यहाँ पर सिंपल आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना है, और एक बार आप इसे सेव ड्राफ्ट में क्लिक कीजिए तो आपका सिंगल पोस्ट यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। अब देखिए इस पोस्ट के अंदर अभी हमें जो कुछ कंटेंट ऐड करना है, लेकिन जस्ट सबसे पहले हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट 2019, इसके बाद आपका सबसे पहला पैराग्राफ और नीचे जाते हैं इमेज, और यहाँ पर ये जॉब की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद देखिए फाइनल वर्ड है, इसके ऊपर आपको क्या करना है कि अब देखिए ये तो जस्ट हमने यहाँ पर समरी लिखी है कि इस प्रकार की वैकेंसी BOB के अंदर अवेलेबल है। अगर आपको ऐसा करना है कि जो यहाँ पर सिंपल जो फाइनल वर्ड है इसके ऊपर आपको क्या करना है
यहाँ पर आपको लिखना है देखिए इस तरह से, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अप्लाई नाउ इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है क्लिक हियर इस तरह से। अब देखिए इस केस में क्या होगा, सिंपल सबसे पहले आप इसे बोल्ड कर दीजिए, इसके बाद यहाँ पर हम कर सकते हैं सेंटर, और यहाँ पर आपको इसे ब्लॉक कोड के अंदर ऐड करना है तो आप कर सकते हो। इसके बाद जो क्लिक हियर है इसे हम एक लिंक देंगे, और यहाँ पर जो आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि BOB की ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक आप कॉपी कर लीजिए, और आपको आपकी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर पेस्ट करना है। इसके बाद सेटिंग और यहाँ पर ओपन लिंक न्यू टैब अपडेट, और यहाँ पर आपको इसे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए जो लिंक है इसकी जगह आप बटन पर यूज़ कीजिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बटन का भी आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं इस सिंगल पोस्ट को एक बार रिफ्रेश करता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा देगा कि अप्लाई ना, अब अगर आपको इसे मॉडिफाई करना है तो मेरे ख्याल से फाइनल वर्ड है इसके नीचे आपको ये रखना चाहिए तो अच्छा लगेगा इस तरह से एंटर, और यहाँ पर मैं इस पोस्ट को एक बार सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर हम इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर देखते अप्लाई नाउ, और यहाँ पर आपको देखते क्लिक हियर। जैसे कोई यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी, और वहाँ जाके वो जितनी भी जो BOB की करंट ओपनिंग है इसके बारे में डिटेल में जान सकता है। तो आपका यहाँ पर क्या काम होगा कि आपने आपकी वेबसाइट के अंदर एक सिंगल पोस्ट पब्लिश किया, इसकी मदद से जो ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर यूज़र जाएंगे तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक आएगा, इसके मदद से आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो ये हो गया सिंकल, यहाँ पर आपको इस तरह से पोस्ट लिखने हैं। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि इस तरह से आपको पोस्ट लिखने हैं। इसके बाद आपका तो देखिए इसके अंदर ट्रैफिक जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है तो वो मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये जो सिंगल पोस्ट है इससे आपको किस तरह से सभी सोशल मीडिया में शेयर करने हैं जिसकी मदद से आपकी वेबसाइट के अंदर अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाए। तो यहाँ पर ये हमारी सिंगल पोस्ट है, इसे यहाँ पर हम पब्लिश नहीं करते, मैं आने वाले वीडियो अंदर इसे पब्लिश करूँगा, और पब्लिश करने के बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको किस तरह से आपकी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक जनरेट करना है, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि सोशल मीडिया का जो शेयरिंग बटन होते हैं वो आपको किस तरह से आपकी वेबसाइट के अंदर ऐड करने हैं। तो ये सभी के बारे में जानने के लिए आने वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथों साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।